जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर में आयोजित होने वाली जन सरोकार दिवस रैली के लिए पार्टी के प्रदेश महासचिव दिग्विजय चौटाला आज अपने पैतृक गांव चौटाला से बाइक रैली लेकर रवाना हुए। उनकी यह बाइक रैली एलनाबाद से होकर भी गुजरी। एलनाबाद के उद्धम सिंह चौक में पहुंचने पर पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। यह बाइक रैली उद्धम सिंह चौक से टिब्बी चौक होते हुए चौधरी देवीलाल चौक में पहुंची, जहां दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपने परदादा चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी फूल माला पहनाकर दिग्विजय सिंह चौटाला का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने चौधरी देवीलाल अमर रहे के गगनभेदी नारे भी लगाए। बाद में उनकी यह रैली चौधरी देवीलाल चौक से रवाना होकर गांधी चौक, ममेरा चौक, पंचमुखी चौक, बस स्टैंड व अंबेडकर चौक से होते हुए सिरसा के लिए रवाना हो गई। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि उनका परिवार एक है। जननायक जनता पार्टी और इनेलो के एक होने के मामले पर उन्होंने अपने दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आशीर्वाद लेने वाले ले गए और जलने वाले जलते रह गए। सैकड़ों कार्यकर्ता यहां से निकले हैं, काफिला जुड़ता जा रहा है आगे हिसार से होते हुए, बीच में फतेहाबाद से होते हुए और रात को नाइट स्टे भिवानी में करेंगे और कल भिवानी में हजारों कार्यकर्ता और फिर रोहतक में हजारों कार्यकर्ता कल दोपहर को रैली से पहुंचने से पहले जुड़ जाएंगे। लगभग 10,000 का काफिला वहां तक बन जाएगा। बहुत बड़ा नौजवानों का जो है कट दुष्यंत जी को समर्थन देने, ताकत देने रैली में जाएंगे। भाई साहब परिवार को एक होने की बात चल रही थी, कहाँ दिक्कत आ गई? नहीं, परिवार तो एक ही है। कौन कह रहा है परिवार? तो पार्टियाँ, हमें पार्टी से एक्सपेल किया गया, उसके बाद हमने अपना दल बनाया। हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद दुष्यंत जी को मिला और उस बलबूते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बार बार उन बातों को खुरेदने से कोई फायदा नहीं होगा। परिवार एक है, पार्टियां और राजनीतिक जो वो है वो आज हालात सबके सामने हैं और हमने मेहनत की। लोगों का आज दुष्यंत जी ने जो मुद्दे थे उन पर आगे बढ़े, उनको 40% पूरा किया, बचे हुए 60% मुद्दों को पूरा करें। कहीं कोई संभावना है? देखो, संभावना हमारी सोच सकारात्मक है। अब नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में। दुष्यंत जी ने अपने दादाजी से आशीर्वाद लिया। हाँ, तो आशीर्वाद हमारे साथ है दादाजी का। उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया। मैंने कहा आशीर्वाद लेने वाले ले गए, जलने वाले जलते रह गए। तो आशीर्वाद चौटाला साहब का दुष्यंत जी के साथ है। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी कि प्रेस नोट इतनी जल्दी, और मैं मानता हूँ कि वो भाषा शैली चौटाला साहब की नहीं हो सकती।